bro, what's going on? Are you fucking kidding me, huh? Literally, it was like ki... I can't believe... You fucking mad, Subaru, bhai. You fucking mad? Bro, hello, what the fuck was that? Hello, kaise mar gayi? What's going on? Chal kya raha hai ye? So, what's up guys? एंड आज बहुत ही खतरनाक होने वाला एपिसोड, आज मैं श्योर हूँ पक्का बहुत ही खतरनाक होने वाला। लिटरली आई कांट बिलीव दिस। ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों है रैम ने ऐसा क्यों किया। तो ओके गाइस, 6 और 7 एपिसोड दोनों लिंक है, तो ऑब्वियसली लेट जंप टू द नेक्स्ट एपिसोड, द 7th एपिसोड। राम को नहीं पता इस बारे में। Bro, going on? रैम ने ऐसा क्यों किया? पैर काट दिया उसका। वो काट कर हील कर रही है। कि विच कल्ट क्या होता है? विच स्टेंच pretending
Bro, what's going on? Are you fucking kidding me, huh? Literally, it was like ki... I can't believe this. Written by death. इसे पता चल गया ना। हाँ, ये अमीलिया को भी भरोसा कर सकता है, बता सकता है इससे रिटर्न बाय डेथ के बारे में। ये क्या हुआ? ये कौन है? ये बता भी नहीं सकता है। हाँ, रिटर्न बाय डेथ के बारे में किसी को नहीं बता सकता है। ये भी टूट गया भाई। इसे विच की स्मेल क्यों आ रही है? ये इसकी जान बचाएगी।
ओह, बचा लिया सपने में, बट हाँ उसे रिलैक्स कर दिया बहुत ज्यादा। भाई ये बहुत तगड़ी पावरफुल लग रही है मेरे को बेटी। बीट्रिस ने क्या मदद की है यार उसकी, बट इट वॉज लाइक कि यही नहीं, सबसे मेन चीज ये भी है कि इट वॉज मतलब ये मेमोरी नहीं भूलता उन उन यादों की। मतलब इट वॉज लाइक कि मरेगा तो वो जो पुरानी यादें वो भी इसके दिमाग में रहेंगी। सबसे पेनफुल चीज यही कि ये क्यों नहीं, ये भी भूल जाए तो भी ठीक है। मतलब इट वॉज लाइक नॉर्मल है सब कुछ, कुछ हुआ ही नहीं था। ये भी नहीं भूलता, इसे भी याद रहती है सब चीज, सब भूल जाते हैं बस ये याद रखता है। कुछ नहीं हुआ उसे, मेरे को अमेलिया नहीं लग रही। अमेलिया ही है, अमेलिया ही है, कुछ तो हुआ इसके साथ। कुछ कहने वाली थी वो उससे, तो वी रैम, अब रैम कैसे मर गई, व्हाट्स गोइंग ऑन, चल क्या रहा है ये। बट स्टिल आई एम हैप्पी ये मर गई, बिकॉज इट वॉज लाइक कि अब ठीक है, क्योंकि अब ना सुबारु मरेगा नहीं। बट एट द टाइम जब ये सुबारु को मार रही थी, सुबारु बोल रहा था कि तुमने मेरी मदद की एंड ऑल, मेरे को मत मारो, आई लव यू, तब इसने उसे बीच में से काट दिया, सुनी भी नहीं। सही है, कर्मा, कर्मा इज अ बिच, कर्मा हमेशा आगे आता है। तो इट वॉज लाइक कि बट सुबारू को पेन हो रहा है फिर भी, हाँ मर गई है। बट ये मरी कैसे, रोजबाल और बेट्रिस लड़ेंगे क्या अब,
What's going on, man? किसने मारा इसे? वेट, मेरे माइंड में जस्ट अभी आया, जस्ट तुरंत के तुरंत, ठीक है, लिटरली तुरंत के तुरंत, आई कांट बिलीव दिस। अगर ये थ्योरी सच हुई ना मजे आ जाएंगे, सही बता रहा हूं मैं, आई कांट बिलीव दिस। सुबारू जब उसे उल्टियां अजीब सा हुआ था, उसने बोला स्पेल नहीं कर्स है, तो कर्स कौन फैला सकता है? विच, ठीक है, जैसे उसने बोला था कि विच कल्ट, ठीक है, उसकी वजह से कर्स फैल सकता है। तो तुम लोगों को याद हो उस दिन सुबारू रात को जब उल्टियां कर रहा था एंड ऑल वो सब कर रहा था, तो उसके हाथ पे दो यहाँ पे मार्क थे जो कि उस डॉगी ने काटा था, ठीक है। तो इस बार सुबारू नहीं गया उधर, ठीक है ना, बच्चों के साथ खेलने कहीं भी नहीं गया, बिकॉज सेफ रहा हो, क्योंकि उसे पता था वो मरने वाला है तो उसे सेफ रहना है। तो उनकी जगह फिर रैम गई होगी, एंड मे बी इस बार रैम को खाट गया होगा वो, एंड यार रैम को कर्स लग गया होगा ऐसा कुछ यूज, बिकॉज इस बार रैमी तो लेने गई थी सामान और विलेज में, तो वहां से हो सकता है इसका वो क्या बोलते हैं बर्थ एक तरीके से। किसी को नहीं बता सकता, या व्हाट इज द पॉइंट भाई, बार बार नहीं नहीं यार, आर यू किडिंग मी, क्या चल रहा है ये, मरना भी इतना आसान नहीं है ना। तो जो भी तड़प रहा था तो इसने, उन दोनों ने पकड़ा था इसका हाथ, कितना अमेजिंग एनिमे ये।
कॉन्फिडेंट हो गया इतना ज्यादा। वही तो दिक्कत है, जानता ही नहीं है ना कि राम और रैम के बारे में। ये कूदने वाला है मेरे को लग रहा है क्लिफ से। यू फकिंग मैड सुबारू भाई, यू फकिंग मैड ब्रो। ब्रो हेलो, व्हाट द फक वाज दैट। हेलो, इतना ज्यादा पेन, माय गॉड, आर यू फकिंग मैड सुबारू। आई डोंट नो, आर यू फकिंग मैड। इतना ज्यादा पेन, इतना ज्यादा इंटेंस पेन झेलने के बाद क्लिफ से कूद गया सीधा मरने के लिए। ब्रो ये एपिसोड अब तक का सबसे बेस्ट एपिसोड था। एपिसोड 6 एंड 7 वाज सो मच अमेजिंग। कहाँ तो मेरे को सिर्फ डेथ देखनी थी कि कैसे मरा सुबारू, और कहाँ इतना कुछ देख लिया कि सोचा नहीं था। इट वाज लाइक कि इसमें विच कल्ट एग्जिस्ट करती है, ठीक है, विच कल्ट एंड ऑल। रैम कैसे मरी, मेरी थ्योरी है वो जो मैंने तुम्हें बताई थी, वो देखते हैं सही होती है कि नहीं होती है। एंड यार रैम ने मारा उसे, बट मेरे को अब बुरा लग रहा है रैम के लिए बहुत ज़्यादा कि क्यों मरी वो, मतलब आई डोंट नो। और जब उस समय सुवारू बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन में था, तो राम और रैम ने दोनों ने उसका हाथ पकड़ रखा था, दोनों ने ऐसे करके कि उसे पेन हो रहा था। तो इट वाज लाइक कि वो लोग ऐसे नहीं हैं, इतने बुरे नहीं हैं, उन्हें किसी ने मजबूर किया ये करने पर या कुछ। वो हाँ, रैम ने बोला अभी तक कि तुम विच कल्ट के हो क्या, तुम में से विच वाली स्टेंच आ रही है, तुम में से विच की स्टेंच आ रही है, मतलब सुबारू में से विच की बदबू आ रही थी, कोई बहुत गंदी, तो इसलिए लिए रैम को शक हुआ सुबारू पे। तो इट वाज लाइक एवरीथिंग स्टार्टेड विद अ सस्पिशन, ठीक है, मतलब कुछ कोई किसी की गलती नहीं थी, हर कोई गलत फहमी थी। तो इट वाज रैम बहुत अच्छी है, मे बी आई थिंक सो, और बाकी मेरे को पता नहीं गाइज, बट यहाँ आई डोंट वॉन्ट, मतलब मैं नहीं चाहता था कि मरे वो, बिल्कुल नहीं चाहता था। बट स्टिल ये लास्ट में थोड़ा बहुत बढ़िया लगा कि यार उसने सुबारू को बहुत बुरी तरह से मारा था, मेरे आंसू आ गए थे। एंड उस समय लगा था कि यार
सी डिजर्व टू डाई, मतलब मरनी चाहिए थी रैम, बट जब राम को रोते हुए देखा तो इट वॉज लाइक कि नहीं यार नहीं मरनी चाहिए थी। बहुत अमेजिंग यार, फीलिंग्स के साथ क्या खेल रहा है आने में, क्या फीलिंग्स के साथ बहुत गलत खेल रहा है आने में, सही बता रहा हूँ मैं। ओके गाइज, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक ले बाय बाय एंड कीप वॉचिंग एने में एंड स्टे हेल्दी, एंड मिलते तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले कीप वॉचिंग एने में।